भारतीय क्रिकेट टीम ने कानपुर में खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 6 रन से हरा दिया और वनडे सीरीज को 2-1 से जीत लिया। मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद प्लेयर्स और फैंस उस वक्त परेशान हो गए जब इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। मैच के दौरान ये इंसिडेंट 27 ओवर में तब नजर आया जब अक्षर पटेल की बॉल पर विलियमसन ने मिडविकेट बाई ओर शॉट लगाया और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। विलियमसन के शॉट मारने के बाद हार्दिक पंड्या तेजी से दौड़कर फील्डिंग करने आए और उन्होंने बॉल को उठाकर डाइव लगाते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर लगे स्टंप की ओर फेंका। पंड्या का थ्रो स्टंप पर लगने की बजाय विलियमसन के हेलमेट पर जाकर लगा, जो रन पूरा करने के लिए क्रीज के अंदर आ रहे थे। उधर थ्रो फेंकने के बाद पंड्या भी वहीं गिर गए। इसी दौरान सामने से आ रहे केन विलियमसन आकर उनसे टकरा गए। दोनों के बीच हुई ये टक्कर काफी जोरदार थी, लेकिन विलियमसन के उछ जाने की वजह से पंड्या को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उनके बाएं हाथ में सबसे छोटी उंगली के पास हल्की सी चोट जरूर लग गई। इस टक्कर के बाद दोनों प्लेयर्स गिर गए। उठने के बाद विलियमसन ने जाकर पंड्या का हाल पूछा। थोड़ी देर बाद पंड्या नॉर्मल हो गए।